देखो अब आपके घर में मम्मी के पास बक्सा होता है ना जिसमें साड़ी रखा जाता है, जिस रूम में बैठे हो ये देख रहे हो ना कमरा, तो वैसे ही एक बक्से की लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा है कि उस बक्से का आयतन क्या होगा। मान लीजिए कोई बक्सा है आपके पास, क्या है बक्सा, ये कोई आपके पास बक्सा है, ठीक है दोस्तों। देखो आप लोगों के पास ये बक्सा है, क्या है बक्सा, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो जब भी आयतन पूछे तो इन तीनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, गुणा, गुणा क्या किया जाता है, आयतन। तो देखिए बक्से हो तो बक्सा क्या है, घनाभ है, बक्सा क्या है घनाभ, और घनाभ का आयतन करते ना, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये बताओ कि लंबाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है। अब इसको आपस में गुना करना है तो 12 में 15 से गुना करोगे तो कितना होगा 180, कितना होगा 180, 150 नहीं होगा 180 होगा। 12 बार 15 दूनी 30 के उसी वहां पे 3 15 8 18 और फिर 10 से गुना करोगे, 10 से करोगे ना, और सेंटीमीटर का टाइम है 3 टाइम है, इसके पावर यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब 18 के पावर 1 बार करोगे तो कितना होगा, 5 को 0 हो जाएगा सेंटीमीटर की। ऑप्शन कौन सही है, ये वाला 18000 है, 1800 है, कितना है 1800, यानी आप लोग बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की अब आयतन पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या फॉर्मूला लगाओगे, वेरी गुड। अब बन जाएगा इस पर का सवाल, आगे आप लोग बनाओगे।